हेलो दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल का जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है, आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो भी सफाई कर्मचारी में भरा है, उन सभी के लिए ट्रेड टेस्ट का मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। क्वेश्चन के ऊपर ही बना चुका हूँ, प्रैक्टिकल के ऊपर झाड़ू किस तरह मांगना है वो भी बना चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखते तो देख सकते हैं। इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह आप बाथरूम को क्लीन कर सकते हैं, वो भी अपना, जैसे कि वहाँ पे एसिड या हार्पिक आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ब्रश के द्वारा भी साफ़ करेंगे। काफ़ी पुराना हो चुका है ब्रश, वहाँ पे नया नया आपको देखने को मिलेगा, इससे भी साफ करके दिखाऊंगा। और मेरे पास अभी हार्पिक नहीं है, जिसके लिए मैं शैम्पू यूज़ करूँगा, शैम्पू से बाथरूम को साफ करके बताऊँगा। तो आप लोग नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि आपको जब सफाई कर्मचारी में भरे हैं तो आपको यहाँ पे बाथरूम साफ़ करना ही पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन में ही लिखा है सीआरपीएफ पैरामेडिकल का जो नोटिफिकेशन, उसमें भी, और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो भी कैंडिडेट भरे हैं, ये चाहे बीएसएफ ट्रेडमैन का भरे हैं, उन सभी कैंडिडेटों का प्रैक्टिकल में आपको हो सकता है झाड़ू काटने, झाड़ू से बाहरने के लिए बोले ग्राउंड को, या बाथरूम साफ़ करने के लिए बोले, या आपको घास काटने के लिए बोले, कुछ ना कुछ आपसे प्रैक्टिकल करवाएंगे तभी जाके आपको पास करेंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। मैं भी भरा हूँ और मैं भी सीआरपीएफ पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया हूँ, तो देखता हूँ मुझे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है कि नहीं। तो चलिए पहले आपको यहाँ पर साफ़ करके क्लीन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बाथरूम देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह का साफ़ किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ साफ करके। तो यहाँ पर बाथरूम है, तो शैम्पू फाड़ लेता हूँ फर्स्ट में, यहाँ पे सब जगह दे देंगे शैम्पू, यहाँ पे सब जगह दे दिया। देने के बाद यहाँ पे मैं पानी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दे दूँगा। ऊपर जो ऊपर वाला है इतना गंदा वहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पे मैं बनाऊँगा करना। अंदर की तरफ भी आपको करना है ताकि सही से साफ हो जाए। तो यहाँ पे अच्छा से पानी से धो देंगे, और अच्छे पानी से धो के अच्छे से इस ब्रश को रख देते हैं इस तरीके। ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। अगर मेरा कोई वीडियो रिलेटिव भी देखता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एसएससी जीडी में पास, फिजिकल में मैं फेल हो चुका हूँ। थोड़ा के लिए काफ़ी मेहनत किया था, तो इस बार तो फाइनली मैं यहाँ पे साफ़ कर चुका हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं साफ़ किया, कुछ काम कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, मैं इसलिए मैं साफ़ किया। मेरा तो ट्रेड टेस्ट है, तो ट्रेड टेस्ट में अगर बुलाया जाता है तो मैं साफ करके दिखा दूँगा। अगर मुझसे घास कटाया जाएगा तो घास काट दूँगा, अगर झाड़ू मारने के लिए बोलेगा तो झाड़ू मार दूँगा। इसका और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्रैक्टिकल, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद देखेंगे।